शादी की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इतनी चमक धमक चल रही है। ओहो, हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा एक सेकंड दोबारा डरना फसा मत अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय न्यू चैनल फातिमा और उसकी चलाती है। अच्छा तो यार, जैसा कि आपको पता है कि शादी जो है वो सर पे मतलब खड़ी हो चुकी है, शादी सर पे। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, आप पी के जो मैंने रिसेप्शन पे पहनना है ना उसका मैं ड्रेस फाइनल करने जा रही हूँ। विद मी क्यूटी प्रिंसेस ज़ैनब है मेरे साथ, मेरे साथ आप भी है और मेरे साथ जीजा जी है। अब हम लोग जा रहे हैं लंडे बाजार, जा रहे हैं आपके रिसेप्शन का सूट लेने। तो ड्रेसेस आपको दिखाते हैं क्या फाइनल हुआ क्या नहीं हुआ। आपको जो फाइनल हुआ इसने आपको वो नहीं दिखाना। बॉयज मैं फाइनल हुआ क्यों दिखाऊंगी, वो तो मैं उसी दिन दिखाऊंगी ना जब मैं पहनूंगी। नहीं आएगा, लोग कहेंगे ये तो देखा हुआ था हमने। हाँ लोग यही कहेंगे। तुमने भी ड्रेस पसंद करने जा रही हूँ? नहीं मैं तो ऐसे एंजॉय हमारे पुराने कपड़े पहनने आजकल देखा नहीं इस पर कितनी मीम्स बनी है। स्कूल से मुझे वार्निंग स्लिप मिली है। क्यों बंक कर रही थी क्लास? बंद कर दिया तू क्लास? ये क्या बिल्ली पकड़ी हुई आज मैंने? ये मेरी दोस्त का कैचर रह गया था। ये कैचर है? हाँ ये निकाला कैचर, देख मुझे लगा बिल्ली की पूंछ है। रियली लिटरली बिल्ली की पूंछ लग रही है यार। ये कब खुलेगी? इसमें से मुझे ना बाहर जाना है। जरा गाड़ी की स्पीड ऐसा करना मुझे बाहर जाना पता लगता है। फातिमा उड़ चुकी है, आओ चले बाहर। मेरे ग्लासेस बस मुंडी उड़ने लगी थी। बंद कर दो इसको। सारे मेरे बाल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये देखो जरा इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई। आपकी क्या गाड़ी में 50-50? ये किसके पैसे हैं? ये जैनब ने अभी निकाले हैं। ये कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? 50-50 दे नोट रखे ने, 50-50 रखे ने। ओहो ये सालियों को आज अरीब भाई ने फूल लेके दिए हैं ब्रो। वो कह रहे हैं आपकी जोड़ी सलामत फूल लेके। थैंक यू अरीब भाई फॉर दिस फ्लावर्स। आप भी क्राइंग इन द कॉर्नर आज। आई हैव होल फ्लावर फॉर यू। आज भी रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आज मेरी सालियां मेरे साथ ट्रेवल कर रही हैं तो जरा मैं उनको फूल ले दूं। सालियों ने सारी जिंदगी सफरिंग। देखो वाइफ तो हर टाइम फेरी होती है, सफरिंग दे रही होती है, कभी कभी देती है। और अलीगढ़ भी किसी सफरिंग से कम नहीं होते, सिर्फ ऐसे कहते हैं बीवियां सफरिंग नहीं होते हस्बैंड। फाइनली पहले आउटलेट पे पहुंच गया, यहाँ से कुछ कपड़े देखते हैं। यहाँ पे मेरी है बारी। अगर कोई पसंद ना आया तो फिर हम आगे मूव करेंगे। वहाँ दरवाजा इस लोग। अच्छा अंदर को खुलता है। यहाँ पे इतनी चमक धमक चल रही है, इतनी चमक धमक। तो तुम्हारे लिए सारी औरतें खरीद लो, कितने प्यारे हैं कपड़े। मुझे आई थिंक इस तरह का कोई कलर पहनना चाहिए रिसेप्शन। ले वाइफ जो कि कपड़े देख रही है और हस्बैंड फोन पे लगा, कोई सरोकार नहीं है। कुछ खरीदना है यहाँ से, पसंद करना है तो कर ले। क्या करूं मैंने, क्या पसंद करना है, मैं आप लोगों के लिए पसंद करना है। आप ही धड़ाधड़ पसंद कर रही है, ये भी वो भी ये भी वो। आप ही धड़ाधड़ पसंद नहीं कर रही, लुक्स निकाली धड़ाधड़ी इसकी। ये नहीं है इसमें, ये नहीं ये। मैंने एक और ड्रेस ट्राई करा, थर्ड आर्टिकल ट्राई करा है, ओवरऑल लुक आएगा। ये अच्छा लग रहा है, इधर सामने आओ, क्या पता मैं यही ले लूं। सामने आओ। थोड़ा वॉक करो, गिरना नहीं है। ये मैंने फोर्थ ड्रेस ट्राई करा है, इसकी लुक है। आई थिंक सो ये रिसेप्शन के लिए ना टू मच हैवी हो रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं रिसेप्शन पे साड़ी पहनूं, मतलब हम चारों बहनें ना साड़ी पहने। ओके गाइस, तो मैंने ये फिफ्थ ड्रेस ट्राई करा है, इसके नीचे ये वाला फॉल आ रहा है एंड ऊपर से इसकी ये लुक है एंड आई एम लविंग। वेरी कंफ्यूज कि मैं रिसेप्शन पे इसको वेयर करूँ या ना करूँ। अब आप लोग मुझे कॉमेंट से बताओ कि मैं रिसेप्शन पे इस तरह के ड्रेस वेयर करूँ या फिर साड़ी। बताओ कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है, इट्स लुकिंग गुड फातिमा, या फिर गो विद साड़ी। ध्यान नहीं दे रही हूँ, आप लोग ही बताओ मुझे। इसका काम इस तरह से हुआ हुआ है। अच्छा तो ये लग रहा है बट आई थिंक सो नॉट फॉर रिसेप्शन। अच्छा तो ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है? तुम लोगों को क्या पता हो कि फुल लेंथ का फैशन इतना ये बॉम्बेस्टिक किस्म का लगने वाला है ना। ये टाइप का ड्रेस है लेकिन दूसरे ड्रेस पे आ रहा है, खुद उसकी बॉडी पतली है। मानो ये कस्टमाइज हो जाएगा बेटे, मैं सिर्फ आपको उसका स्टाइल और डिजाइन बोल रही हूँ। मुझे ना एंगेजमेंट के बाद से हैंड हो गए हैं कि दुल्हन से ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने। तब भी नहीं पहने
बट अब उसके बाद से कभी भी मैंने हैवी कपड़े नहीं पहने. आप हिस्ट्री खोल के देख लो, उसके बाद से कोई हैवी ड्रेस नहीं आया. एंगेजमेंट में तुम मेरे ख्याल से वाहिद थी जिसने हैवी सूट नहीं पहना. मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या सेलेक्ट करूं क्या ना. अनदर वन फातिमा, अनदर वन. ओह माय गॉड, आई एम डन. मेंस दूंगी एंड दैट्स. कपड़े बदल बदल के चेंज कर करके जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं आपको दिखा. ये चेक करो और बाजू उठाओ. अल्लाह, ऐसा लग रहा किसी बिल्ली ने तुम्हें नोचा है. ऐसा लग रहा जंग लड़की आई हूँ. ये इजी टास्क नहीं है, आई एम टेलिंग यू. आई नो दैट, आई एम ब्राइट, आई नो बेटर देन यू. ड्रेस मैंने कस्टमाइज कर रही हूँ, साइज चल रहा है. पता लगे मेरे ड्रेस के साथ वो हो गया और मैं रो रही हूँ. ये मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ. ये मेहंदी पे पहन सकती हो, मेहंदी के लिए बहुत अच्छा है. हाँ, शादी की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं एंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लें क्या पहने. तो क्या लें तो क्या पहने. ये अभी ये अभी बहुत इसके तो सारे ड्रेसेस तकरीबन हो चुके हैं. नहीं, अभी मैंने जाना है और ये इसका एंड टाइम पे देखना. इसने सुबह बारात में इसने कहना आप ही मेरा सूट, मेरा सूट. एंगेजमेंट पे भी इसने वैसा यही किया था. निकाह पे भी होती है, निकाह पे भी हमें इस्लाम आबाद इसके सूट के लिए मिले थे. अगर आपने मेरा पैर में मैंने जूते नहीं पहने, इतने मेरे होश आवाज जो है वो घूमे पड़े हैं. सकती है, मुझे मना भी कर दी. मना कर दी है ये ड्रेस नहीं पहनना. क्यों? क्योंकि इसमें ये पेट दिख रहा है. नहीं नहीं, ये रंग नहीं पसंद है इसको. रेड कलर ही है, इतना प्यारा कलर. नहीं, मैरून पहनो. अच्छा मैरून पहनो भाई, बंदों की अलग ही डिमांड है यार. Guys, look what I found. आपकी एंगेजमेंट पे जो मैंने ड्रेस पहना था ना, वो ये पड़ा हुआ है. आपी वगैरह को मैं ये ड्रेस दिखाने जा रही हूँ और उनसे कहूंगी कि क्या मैं ये ड्रेस पहन लूँ. Let's see इनका रिएक्शन क्या. मैं ये ड्रेस पहन लूँ? Guys, मैं ये ड्रेस पहन लूँ? इस एंगेजमेंट में पहना हुआ क्या, पागल हूँ? नहीं नहीं, ये कभी नहीं पहनेगी, प्रैंक कर रही है. चल चल पागल. नहीं नहीं, ये ड्रेस पहनने लगी हूँ यार, तो क्या हुआ, रिपीट नहीं पहन सकती? रिपीट तुम और तुम रिपीट. अच्छा नहीं है? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मेरी वलीमे पे ये ड्रेस तूने पहना. कितने पैसे? मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा. जैसे ही पैसों की बात आई है साथ ही अरीब भाई. नहीं नहीं नहीं, मैनू माफ कर दियो, मैं नहीं. अरे यार, सबने खाने पीने पे फोकस किया हुआ है. मेजरमेंट्स दे दी हैं और हर चीज डन हो गई है रिसेप्शन के ड्रेस की. नाउ लेट्स गो. ऐसे ऐसे कर रहे थे शीशे में कि तुम देखो, मैं देखती हूं. कैमरे को देख के हाथ हिला दे, आज कोई प्रैंक नहीं हो रहा. चलो लेट्स गो. चलो गाइस, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने. मानो इधर मैंने बैठना, आप उस साइड से हो. ये डंपलिंग्स जो है ना, ये मेरे फेवरेट है. ये बहुत स्पाइसी है. पापा मुझे बताया क्यों नहीं? पानी नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे. पानी पानी. इट्स टू मच स्पाइसी. कानों से धुएं निकल रहे हैं. फाइनली खाना वगैरह खा लिया, अब चलते हैं घर. पेट पूजा हो गई. हम लोग पहुंच चुके हैं घर. गजरा रे तेरे काले. कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा. आ जाओ घर आके. यहाँ पे चल रहा है संदीप महेश्वरी, सुना जा रहा है. गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग. यहाँ भी किसी के कपड़े पड़े. मैं पता है ना, हमारे घर शादियों की तैयारियां चल रही हैं, तो बस शादियों के कपड़े. आई थिंक सो हेरा के हैं ये कोई ड्रेसेस ना. हमारे घर पे शादी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं यार. मतलब कपड़े वपड़े, जूतियां, ज्वेलरी, हर चीज लेना स्टार्ट कर दी. बस आपको साथ साथ दिखाते रहूंगी. अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. लव यू.